और बड़ी खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। प्रदेश में संक्रमण दर 1.59 रह गई है। 10 जिलों में 10 से कम मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू में जनता ने अद्भुत सहयोग दिया है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन द्वारा कोरोना को वुहान वायरस कहने पर बोले, जिन्होंने इंडियन वेरियंट कहा था उनको सद्बुद्धि आ जाएगी। दो महाशक्ति ने भी बोल दिया है कि ये चीन का संक्रमण है। कमलनाथ ने सनसनी फैलाने के लिए कहा कि हनी ट्रैप की पेन ड्राइव उनके पास है। ठीक संकेत प्रदेश के अंदर आते जा रहे हैं कोरोना के। आज नए मामले 1205 आए हैं और ठीक होके जाने वालों की संख्या 5023 है। लगभग 5 गुने के आसपास ठीक होके जा रहे हैं लोग। सुखद समाचार है, ऑक्सीजन इंजेक्शन, वेंटिलेटर, आईसीयू, सीसीयू, किसी चीज की दिक्कत आज प्रदेश में कहीं भी नहीं आ रही है। संक्रमण दर सिर्फ 1.59 ही रह गई है, जबकि हमारी रिकवरी रेट 96.97% के आसपास चल रही है। खंडवा एक ऐसा जिला है जहां कोई भी केस आज नहीं आया है, शून्य आया है। अलग अलग जिले बीच बीच में शून्य को प्राप्त कर रहे हैं। डिंडोरी जैसे जिले भी शून्य की ओर आए हैं। 31 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम सिंगल डिजिट पर अब हम मध्य प्रदेश में आ गए। बाकी के भी जिले लगभग बॉर्डर पे हैं। अनलॉक की तरफ हम बढ़ गए। कोरोना कर्फ्यू में जनता ने अभूतपूर्व सहयोग दिया। उन सब के सहयोग से मध्य प्रदेश विजेता बन के उभरा। हम जीते, कोरोना हारा, आगे भी हम जीते। इसके लिए हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। बाजार खुलने का आप सभी इंतजार नहीं कर रहे हैं आदरणीय, कोरोना भी इंतजार कर रहा है। और इसलिए कोविड की जो गाइडलाइन है, हमारे सभी दुकानदार साथी, अन्य अन्य व्यवसाय में लगे हुए लोग उस गाइडलाइन का पालन जरूर करें, जिससे कि आने वाले दिनों में हम पूरी तरह से कोई गाइडलाइन ही जारी ना पड़ना पड़े, कोई प्रतिबंध ही ना रह जाए। ये हम सबको ही चिंता करनी पड़ेगी। जैसी हम सब ने अभी चिंता की, ऐसी ही हम सबको एक दूसरे की। और एक प्रार्थना है मेरी प्रदेश की जनता से कि आप स्वयं अब रोको टोको अभियान चलाओ। आपको अगर कोई बिना मास्क का दिखता है तो आप टोको के मास्क लगाओ। और जनता अगर इस अभियान को चला देगी तो प्रशासन के लोग, शासन के लोग, पुलिस के लोग जो टोकते हैं और रोकते हैं, उससे ज्यादा असर आप सबका पड़ने वाला है। इसलिए रोको टोको अभियान जनता चलाए, ऐसी प्रार्थना मेरी आप सबसे। वैक्सीन के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा हमारे 18+ वालों से भी, 45+ वालों से भी, कि इसमें जो भ्रम फैले उन भ्रमों को दूर करें और उत्साहजनक वातावरण अपनाएं। सब लोग प्रेरित करें और भ्रम को दूर करें। आपकी बात अगर वो सुन लें कहीं, जिन्होंने इंडियन वेरिएंट कहा था, भारतीय कोरोना कहा था, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। वैसे मंदिर मंदिर खेल तो रहे हैं वो, शायद आ जाए कि अब तो दो शक्तियों ने कह दिया विश्व की, और चीन के ऊपर क्वेश्चन मार्क रिमार्क लग भी गया। अब उन्हें सोचना चाहिए, जो इंडियन वेरिएंट बता रहे थे इसको दोषी ठहराते थे।
इन दो रिपोर्टों के बाद में तो लगता है कि कांग्रेस ही दोषी है भ्रम फैलाने के लिए और उसके नेता। कमलनाथ जी लौट रहे हैं ऐसा कांग्रेस का ट्वीट है, कितना सही ट्वीट है। तो वो पेन ड्राइव से लौट गए, वो 1 लाख मौतों से लौट गए, वो भारत बदनाम से लौट गए, लौटे कि नहीं लौटे, कर्जा माफी से लौट गए, बेरोजगारी नौजवान को भत्ता देने से लौट गए, अब इतना ज्यादा लौट गए कि लौट ही न जाए। मेरी तो प्रार्थना है कि आपकी उम्र भले लौटने की हो गई हो, लेकिन आप अब वाणी में स्थिरता लाओ, ऐसी बातें मत बोलो जिनसे कि छपने के कारण से या सनसनी फैलाने के लिए आप बोल देते हो कि मेरे पास पेन ड्राइव है, फिर कहते हो कि नहीं मेरे पास क्या सबके पास है, और सबके पास है तो आप नाम बता दो किस किस के पास है, आपको मालूम है ना किस किस के पास है, तो उन्हीं के नाम बता दो अब, या फिर कल इससे भी लौटोगे और फिर उन्हें ट्वीट करना पड़ेगा लौट रहे हैं कमलनाथ। आप पिछले हफ्ते के उनके ट्वीट तो देखिए, उनकी भाषा शैली तो देखिए, उनका बोलने का तो देखिए, 1 लाख से ज्यादा मौतें हो गई। मैंने उसी दिन कहा कि सिद्ध करो इस्तीफा दो, नहीं मैं देता हूं, आज तक जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर उन्होंने इसी तरह की बात कर दी कि मेरे पास में है पेन ड्राइव, अब कह रहे नहीं मेरे पास क्या सबके पास है, मैंने तो सबके पास सुनी सुनी कही थी। एक कमलनाथ जी, आप नेता प्रतिपक्ष हो और मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं, आप भी विधायक हो मैं भी विधायक, उनने कहा है तो देना चाहिए, उन्हें जब्त तो कराना चाहिए, मदद करनी चाहिए, संवैधानिक पद पे हैं, और या उन्हें मालूम है जैसे वो कह रहे हैं कि आप सब पे, तो आप सबसे करानी चाहिए, कराना तो उन्हीं को पड़ेगी ना, उनने कहा है तो, मैंने तो कहा नहीं है, मैं तो प्रारंभ से कह रहा हूं कि ये झूठ बोलते हैं। सरकार पूरी तरह से चैतन्य है तीसरी लहर को लेकर के, पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की सरकार ने की हुई है, और इसी लिए किसी को चिंता डरने या अज्ञात आशंका में आने की आवश्यकता मैं नहीं मानता कि है। हमारी तैयारी बिल्कुल युद्ध स्तर की है। दूसरा पक्ष है, ये आपको देखना चाहिए, उस टीआई ने पूरी सब्जी ले ली, शरबत पिलाया, और ऐसा अकेला नहीं है, इस कोरोना कर्फ्यू में आप देखेंगे तो प्रदेश में और पिछले 1 साल में पूरे के पूरे प्रदेश में पुलिस ने अपना चेहरा बदला है। हमारी पुलिस जब वीरान चौराहे थे, गलियां सुनसान थी, तब सड़क पर खड़ी हुई थी हमारे लिए, वो अगर मास्क लगाने को कहते थे तो हमारे भले के लिए कहते थे, वो अगर घर में रहने को कहते थे तो हमारे घर में भले। और पुलिस का ये अलग चेहरा है, मैं चाहूंगा कि आप सब इसको भी जनता के सामने लाए, डंडा मारता हुआ तो आप हाल दिखा देते हो, इसको भी तो दिखाओ। नहीं सब आएगा, अभी 15 तारीख के बाद में जब पुनः इसकी समीक्षा होगी तो पटरी पे आ जाएगी।